आपकी जो हाजिरी है, आपकी जो एकता है और आपका जो संघर्ष है, इन 41 दिनों में इस खेदड़ गांव ने पूरा भारत के अंदर पहचान बना ली। यदि भाईचारा सीखना है तो खेदड़ गांव तो सीखो, संघर्ष करना सीखना है तो खेदड़ गांव तो सीखो। तमाम गांव के सम्मानित बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, युवा साथी, आसपास के गांव गुआंड आए, हमारे काके ताऊ से अपने हाथ जोड़ के राम राम है, नमस्कार है। हमारे बीच में बिचपड़ी में कल हमारी कमेटी गई थी, आज बिचपड़ी से सरपंच विक्रम जी हमारे बीच में पहुंचे, उनका भी हम स्वागत और धन्यवाद करते हैं। ताऊ बलवान सिंह बेड़ीवार हर रोज आपके बीच में पहुंचते हैं और आज भी आपके बीच में पहुंचे, उनका भी बार बार धन्यवाद है। बात करो ताऊ सुबह सिंह की, पल्ले की, बागमल कोच जी की, रामनिवास कोच जी की, ऋषि गुरणा जी की, ये वो हाजिरी है जो परमानेंट इस धरना के ऊपर शुरू दिन तक लेके आज तक लगती आई है। और भाई ने इस पूछन लाग रहा था, थोड़ा सा खटखट टोल का जिक्र भाई ईश्वर ने भी कराया, मैं भी कर दूं। खटखट टोल हरियाणा में अपनी एक पहचान थी, जरा भी न्यू जरूरत महसूस होया कर देनी कि भाई संख्या दिखानी है, शेर दिखाने हैं, प्रशासन तक सबक सिखाना है, तो खटखट टोल का नाम पहले नंबर पाया करता। और खटखट टोल की पूरी कमेटी, चाहे बात करूं मैं हरिकेश अंकल की, बात करूं कृष्ण अंकल की, या बात करूं भाई बड़े भाई अनीश की, बहन पूनम कंडेला हमारे बीच में बैठी, बहन अनिता सुदकर्ण, पहले भी आप लोगों के बीच में समर्थन देने के लिए आए और आज एक बार फिर से इस धरने में और इस संघर्ष में हम उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए धन्यवाद करते हैं। संदीप छत्तर हमारे बीच में आ गया, जोरदार ताड़ियां इसकी खातिर भी। कैथल के धरने में प्रचार करने का काम, सिर बढ़ाने का काम संदीप कर रहा है। और अब मैं अनुरोध करूंगी, थोड़ा सा भाई अनीस ने बता दूं, 29 तारीख तक का अल्टीमेटम इस सरकार तक दिया है, यानी कि अल्टीमेटम तड़के खत्म हो जाएगा और परसों पूरा गांव खेदड़ और पूरे हरियाणा की वो किसान सरदारी जिस तरह हमने खास तौर पर अनुरोध किया है, खेदड़ के अंदर आमंत्रित करी है, और जिस तरीके से किसानी की लड़ाई में बढ़ चढ़ के ना आप जाया करते, जिस तरीके से सहयोग दिया करते, वह उम्मीद और आशा हम भी करा कि खेदड़ की इस धरती पर आप उसे दल बल के गले पहुंचोगे। अनुरोध करूंगी भाई अनीस से कि वो आवे और अपनी बात रखें। धन्यवाद छोटी बहन रीमन ने। सबसे पहला मेरी चाची ताया ने